और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जयपुर से बड़ी खबर है, अनिश्चितकालीन हड़ताल और कल सुबह 6 बजे से नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल और वेट कम करने की मांग को लेकर पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल। सांकेतिक हड़ताल के बाद अब कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल। बता दें कि ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, आज गाड़ी की टंकी करवा ले फुल वरना पड़ेगा पछताना, क्योंकि राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने किया बेमियादी बंद का ऐलान। पंपों पर कल सुबह 6 बजे से नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल। प्रदेश भर में पेट्रोल पंप संचालकों की परेशानी आपने देखा कि किस तरह से वो परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उनका कहना है कि वेट कम होना चाहिए। अब ऐसे में ये बड़ी खबर, अनिश्चितकालीन हड़ताल, कल सुबह 6 बजे से नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल, वेट कम करने की मांग को लेकर पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल है। सांकेतिक हड़ताल के बाद अब कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल, बंद का कर दिया ऐलान। वहीं पर आज गाड़ी की टंकी फुल करवा लें वरना आपको पछताना पड़ेगा। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने किया अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान, बंद का ऐलान किया है। पंपों पर कल सुबह 6 बजे से नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल। प्रदेश भर में पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल का मामला 2 दिन तक, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक पेट्रोल पंपों पर सांकेतिक हड़ताल। वहीं आज रात तक वेट को लेकर निर्णय नहीं हुआ तो कल से बेमियादी बंद, यानी कि आज रात का वक्त अगर सरकार से बात बन जाती है तो हो सकता है कि पेट्रोल पंप संचालक इस फैसले को बदल दें। लेकिन अगर नहीं बनती है बात तो मान लीजिए कि आज अपने गाड़ियों के टैंक को फुल करा लें वरना तो कल से आपको पछताना पड़ेगा। और इस खबर पर जानकारी के लिए मेरे सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, जिस तरह से ये पहले ही कह दिया था कि 15 तारीख से अगर बात नहीं बनती है तो हड़ताल पर चले जाएंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी, तो आखिरकार उसका ऐलान भी कर दिया है? देखिए, राजस्थान के लोगों के लिए बेहद कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण खबर है और जनता से जुड़ी खबर है। जनता से जुड़ी इसलिए खबर है कि देखिए, पेट्रोल और डीजल व्यक्ति की कह सकते हैं कि प्रतिदिन की जरूरत है। व्यक्ति कह सकते हैं कि प्रतिदिन गाड़ी लेकर पेट्रोल पंप पर जाता है, भरवाता है और उसके बाद ही अपना सफर तय करता है। वेट कम करने की मांग को लेकर 2 दिन से सांकेतिक हड़ताल चल रही थी, यानी कि 8-8 घंटे पेट्रोल पंप बंद थे। और अब कह सकते हैं कि कल सुबह 6 बजे से राजस्थान के 6712 जो पेट्रोल पंप है वहां पर फ्यूल नहीं दिया जाएगा। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने इसकी ऐलान कर दिया है। हालांकि अभी रात का समय है क्योंकि सरकार से वार्ता चल रही है, हो सकता है कि रात को यदि वार्ता सकारात्मक रहती है, ठीक है, ठीक है दीपक, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिए, बात बनती है नहीं बनती है या कल से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।